ये कार्तिक भाई, ये भी पतंग देखिए। जैसा हमने देखा था कि उस्ताद बारीकी से काम कर रहे थे, और वैसे ये आमिर भाई लखनऊ के हैं, लखनऊ के मेकर हैं, बहुत ही उस्ताद के शागिर्द हैं, बहुत खूबसूरत काम है। क्या बात है, इस पतंग के लिए कुछ कहना नहीं है, इस पतंग के लिए कुछ कहना नहीं है। और दूसरी बात, ये पतंग मिलेगी कब ये भी नहीं पता। पहले और कोई डिजाइन हमको दिखाइए, पहले डिजाइन आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मिलेंगी कब जी ये नहीं पता है। अलग अलग डिजाइन देखिए, खूबसूरत काम है, लेकिन मिल सकती है आप लोगों को। कार्तिक भाई को कॉल करिएगा, ये उस्ताद की बिल्कुल उस्ताद जैसी वही फरमा और वही पतंग लग रही है, कोई कहेगा नहीं कि उस्ताद की पतंग नहीं है ये। सही बात है, ये अजंता 4.7 पर है जी, और आरिफ भाई जयपुर के लिए। आरिफ भाई जयपुर, ओके, चलिए बड़ी खूब। दो ही लोगों को पतंग देते हैं ये पतंगे जी, बाकी का ऑर्डर नहीं लेते, क्योंकि उन्हीं का ऑर्डर नहीं पूरा हो पाता। एक आरिफ भाई जयपुर के जी, और दूसरे अश्वनी भाई बरेली के। अच्छा, अश्वनी भाई बरेली, अश्वनी भाई बरेली, जिनकी डोर आती है निंजा 3rd degree टॉर्चर। चाहिए हो तो डोर भी मिल जाएगी हमारे पास। अश्वनी भाई की डोरे चाहिए हो तो भी कार्तिक भाई से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अश्वनी भाई बरेली में बढ़िया काम करते हैं अपना, बहुत खूबसूरत है कार्तिक भाई, बहुत ये पतंग देख के फिर मन करता है, इंसान के पास होनी चाहिए, है ना, उसके कलेक्शन में ये चीज होनी चाहिए। क्या बारीक काम है, बहुत बढ़िया। तो अजंता पे देंगे किसी को भाई? देंगे, समय नहीं पूछ रहा है कोई। नहीं, मुश्किल ही समझिए, लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि समय लगेगा, मिल जाएगी, मुश्किल का मतलब ना नहीं कहा है, चलिए ना नहीं कहा है। ये पतंग अगर हमको मिलेगी तो ही हम दे सकते हैं। अब एक साल में उन्होंने हमको ये 120 पतंग दिए, एक साल में उसी हिसाब से आप लोगों को मिलेंगी। हाँ, जैसी पतंग जी, ठीक है, चलिए लोग कॉल कर सकते हैं। और ये जो उस्ताद की पतंग है हमारे, ये भी आरिफ भाई जयपुर के लिए ही बन रही है, ये भी अजंता पे है, सब अजंता पे टोटल। तो खजाना है आपके पास अजंता का? अजंता का खजाना है मेरे पास, यहाँ लोगों को ढूंढे नहीं मिल रहा है, इधर खजाना रखे हुए हैं कार्तिक भाई अजंता का। चलिए, वो अंदर गोडाउन में रखा है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए VM लखनऊ गाइड से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा। आमिर भाई, उस्ताद अली नवाब साहब के शागिर्द, पतंग देख के अब मैं कहने वाला था कि उस्ताद की पतंग लग रही है फिलहाल, क्योंकि ये इस तरीके का काम जो है उस्ताद ही में देखने को मिलता है, लेकिन शागिर्द है तो शागिर्द वाला छवि दिख रही है, सही बात है। पतंग में झलक रही है उनके शागिर्द है। ये देखिए और देखिए। ये कार्तिक के हैं, राजेश भाई, कार्तिक भाई की। हाँ, सारी खूबसूरत चीजें इन्हीं की हैं। क्यों कार्तिक भाई? क्योंकि सुबह सुबह खट्टा खिला देते हैं ना हम लोग को। इनके लिए हल्के बाल्टी पानी ला दियो, हम जी हल्के बना देंगे ना, देख जी, लगा के जी, तब ये गुस्साएंगे हमारे ऊपर। तो भैया एक बनाई तब भी हल्की बनाई, इसीलिए हमने काम काटे थे। इधर देखिए, ये सब जुड़े रखे हैं, इनका नंबर कब आएगा पता नहीं, जुड़ी रखी है। बड़ी खूबसूरत पतंगे, और दिखाइए जरा कार्तिक भाई, नीचे जो है ये जुड़ी रखी है, इनका नंबर। ये किसने बनाई है डिजाइन? ये पतंग भाई जुड़वा के लाए हम बाहर से। अच्छा, और चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, ये कलर बहुत अच्छा जोड़ा है जिसने भी जोड़ा है, खूबसूरत काम किया गया है। इसकी डिजाइन और भी है, इधर रख के दिखाओ नीचे, लाइए इधर लाइए, सही कह रहे हैं। ये देखिए, हर जगह आप ही छाए हुए हैं, ये के का मतलब भी हम समझ गए कि आप ही की पतंग है ये। अभी हमने सही कहा था, जितनी खूबसूरत चीजें सब आप ही की हैं, और एक चिड़िया भी बनी है इसमें कहीं, हमें लग रहा था घोड़ा है, घोड़ा वोड़ा छोड़िए, ये देखिए आप इधर अभी और भी है। तो इसको चढ़वा दिए, नहीं तो कोई चूहा काट देगा तो क्या फायदा है पतंग? कुछ नहीं काटेगा, वो इनके घर का मामला है। मतलब चूहे भी समझे में नहीं काटेंगे, क्या बात है, आते हैं वह काटते नहीं है। ये बढ़िया बात बता दी है, बहुत बढ़िया। ये राजेश भाई हकीकत है, सारा कागज डरा रहता हमारे, सुबह काटते नहीं है। अब इसमें से कुछ पतंग हमारे पास जरूर आएंगी, हम समझ गए, अब हम शंकर दादा के पास आना पड़ेगा हमको। राजेश भाई जो आप कहिए अभी चढ़ा के दे देते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच श्रीश भाई, अभी हम बैठे चढ़ा देंगे, लेते जाइए, पलट के देंगे।
बहुत बढ़िया, चलिए ये सब कार्तिक भाई का खूबसूरत काम है। डिजाइन तो हमें से बनवा दे भतीजे से अपनी। तो श्रीज भाई इतनी देर से हम देख रहे हैं आप इसमें क्या है, मतलब ये जो छीलते हैं क्यों छीलते हैं इतना ज्यादा? राजेश भाई ये काफ टाइट ज्यादा थे, अगर ये हम लोच ना देते यहाँ से जी, खाना ना दे जी, तो मकड़ करेगी पतंग, चाल नहीं पकड़ेगी। अच्छा, ये हल्के तो नहीं होगी, लोग सोचते छीलने से हल्की होती, हल्की नहीं होगी। ओके, अब आदमी नहाए ना और कहते कपड़े पहन लो, चाहे इतने अच्छे पहन ले तो क्या अच्छा लगेगा। और नहाने से दुबला भी नहीं होता है जैसे बता नहीं होता है। मगर तो ये देखिए वही स्वस्थ वाला चीज, स्वस्थ वाली चीज। ठीक, चलिए निकालिए, बढ़िया खाना बनाया जाता है और यहाँ से जो है जी ये खाना जब डाल देंगे काम हल्की तो देखने में हो जाएगी, मगर ये तो सीने में ये जान रहेगी, लोड उठता ही पकड़ेगी। ये उस्तादों की बात हो रही, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैं शंकर दादा के कारखाने पे हूँ और इस तरीके से एक बढ़िया पतंग जब बनाई जाती है तो चालू काम नहीं किया जाता है, खाना बनाया जाएगा वैसे ही पतंग, ताकि हर पतंग में चाल हो और हल्की ना हो, और हल्की भी ना हो, ये नहीं कि डोर झोल नीचे लटक रहा है। बहुत अच्छी बात है, तो इस खाने से झोल नीचे नहीं लटकता है, डोर को पीते हुए, डोर को पीते हुए चलेगी, हवा मिले पतंग को, हवा नहीं मिलेगी तो पतंग खराब हो जाती है। पीछे आज इतनी अच्छी सब मिलेगा हमको, छीन लेंगे। ये राजेश भाई एक पहचान है हमारी। अच्छा, ये कुंदा जो हम चढ़ाते हैं इसका कागज बाहर नहीं आता है, ये ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, ये असली पहचान है हमारी। ये देखिए श्रीज भाई के हाथ की पहचान बता रहे कि अगर चढ़ा दिया तो उसका कागज बाहर नहीं आएगा, इधर का कागज बाहर नहीं आएगा, इधर का कागज चढ़ता है। अच्छा, ये जैसे इसमें देखिए चढ़ा जी, इधर चढ़ा है, टेने रुपए में चढ़ता है, हमारी पतंग में किसी में इधर दाहिनी तरफ, ये आप देखिए इधर बाहर जो कागज दिखाई दे रहा है ये है टेनी रुपेश वाली बात, और हमारे कंकवे में अंदर रहता सब कागज, ये ध्यान से देखिए, ये देखिए बाहर नहीं आता दाहिनी तरफ का कागज, दाहिनी वाला हिस्से का कागज जो है इस साइड में रहेगी वो बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। ये मोहर भी ना लगी हो तो असली कंकवा पहचान सकता है, खुद पहचान, तो मोहर की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही पतंग रखी होगी पता चल जाएगा कि किसकी पतंग है। कंकवा चढ़ता है तो इधर का पूरा कागज अंदर रहता है। ओके, और उधर रहेगा बाहर, उधर रहता बाहर, क्योंकि अधिकतर आदमी कहते हैं डुप्लीकेट है ये, तो हम एक पहचान अपने हाथ की डाले हुए हैं। बहुत बढ़िया चीज है, ये तो हुनर वाली बात है, उसको अंदर करना भी एक हुनर है वो, और हर कंकवे में होगा ये। तो ये चीज तुम्हें बताना नहीं चाहिए, बताइए ना तो आदमी पहचानेगा इसे। ये पहचान है इनकी, और ये जल्दी जी, और ये देखिए बाहरी रहता है, ये बाहरी बाहर रहता है। ओके, उसके बाद डोरी पलट दी जाएगी। लेई का इस्तेमाल करते हैं हम, भैया लेई का करते हैं, पुराने कारीगर है, फेविकॉल जानते नहीं क्या होता है। क्योंकि फेविकॉल से वही बना पाते हैं जो 10 कंकवा बना रहे हूँ, 20 बना रहे हूँ, उनके लिए फेविकॉल अच्छा, मध्य कारीगर है तो लेई से यूज करते हैं। आजकल के मेकर जो है लेई बनाना ही नहीं जानते हैं कि अच्छी लेई कैसे बनाई जाए जिससे सुकड़न ना आए पतंग में। चलिए बहुत शानदार काम, ये देखिए शिरीष भाई का, पलट के दीजिए, लड़ा दे आजम जाके इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जी। अद्दी है राजेश भाई, गोल अद्दी है, इसमें की पतंग हेमंत भाई के यहाँ जाती है काट। तो एक बार हम लोग फिर जुड़ गए हैं शंकर दादा के पतंग के कारखाने से, उस्ताद हैं हमारे, और उस्ताद बीच में अभी हम सबसे पहले हाल की बात करते हैं, आपकी तबीयत खराब चल रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा खराब थी जी, काफी आपने ब्रेक लिया, 3 महीने लगभग खराब रही है। नहीं, तबीयत तो 6 महीने खराब रही, 3 महीने मतलब ज्यादा हालत खराब हुई थी, मतलब चल फिर नहीं पाते थे बिल्कुल, लड़के सब पकड़ा के लैट्रिन बाथरूम कराते थे, लेटे 3 महीने लेटे ही रहे। लेकिन उस्ताद फिर से बहुत खुशी की बात है कि उस्ताद हमको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहले से बेहतर अब महसूस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, इलाज चल रहा है अभी जी, अभी खानी दवा 3-4 महीने अब ठीक है। बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ेंगे तो आप लोग जान लिए बहुत पुराने उस्ताद हैं। उस्ताद कब से आप लगभग इस पतंग के काम से जुड़े हैं? हमको हो गए 40-45 साल। 40-45 साल से लगातार बना रहे हैं काम, आज भी बंद नहीं किया है, और जितनी मैं पिछले, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत
चुनी हुई कमानी और चुने हुए ठड्डे ही यूज करते हैं। कहाँ से दादा, कहाँ से मंगाते हैं आप ये कमान और ठड्डा? कमान ठड्डा तो मैं आप पंकज से भी लेते हैं, अब्दुल हमीद से लेते हैं, लेकिन जब हमारा मतलब का होता तभी लेते हैं। वैसे तो आता तो उनके यहाँ सस्ता भी है, कई मेल का है, लेकिन हम अपने मन का जो होता है वही लेते हैं। और फट्ठे ज्यादातर होता है, फट्ठे ही फाड़ के बनाते हैं खुद ही अपना। हाँ, जब तक मन का नहीं होगा तब तक नहीं लिया जाएगा, और अपने फट्टे फाड़ के जो है। तो चलिए अभी आपको दादा के कारखाने पे ले चलता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कारखाने के बाहर एक छोटा सा जो है पतंग का और मांझों का सेटअप बना रखा है, और ये नन्हे नन्हे खिलाड़ी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। शिवा, मैच है क्या आज? बहुत सारी पतंग निकाल रहे हो, बोलो बोलो। चलिए पतंग चेक कर रहे हैं छोटे छोटे खिलाड़ी। क्या बनाने जा रहे हैं दादा? कंकौआ माथुर साहब का है, जी। माथुर का है, और ये चौबकियों में जो राधे राग लड़के हैं लड्डू जी, मिठाई दुकान मिठाई की। अच्छा, वो भी शौकीन है? हाँ, लड़ाते हैं। अच्छा, उनके बनाना है जी। अभी बीकानेर का आर्डर आया है, उनके बनाना है। कई लोग बीकानेर में, एक हमारे शक्ति भाई रहते हैं। हाँ, शक्ति भाई तो वहाँ बहुत मतलब कंकवा आया जाए करता है। बहुत जबरदस्त आदमी है बीकानेर के, बहुत बेहतरीन आदमी है। हाँ, अभी 500 अद्दी भेजी थी हमने उनको जी। हाँ, उनके उनसे तो कंसर्ट मतलब हम लोग 12 मास चलते हैं शक्ति भाई से जी। और बढ़िया आदमी होंगे अभी तक कोई आपको जो है? हाँ, पैसा ही पहले लगा देते हैं पूरे ही जी। शानदार आदमी है बीकानेर के दादा। तो कमानी छीलते क्या देखते हैं इसमें, अच्छी कमानी कैसे तैयार की जाए? अच्छी कमानी जो होती है बांस अच्छा होता है जी, बाजारू बांस हम लाते नहीं है जी, और उसको भी सेकने के। और ये जो घिसाई क्यों करते हैं ये जो आप? ये पता है, मैं खाना देना पड़ता है काम का। अच्छा, मैं तो पतंग अच्छी उठती नहीं है जी, तो जहाँ खाना चाहिए वहाँ से हम लोग उसका माल उतारते हैं कमानी का। अच्छा, खाना बनाने के लिए देखिए जैसा बता रहे शंकर दादा, खाना बनाया जाता है। खाना से क्या फायदा मिलता है खाना बनाने से? कन्हैया मतलब चाल फेर और लोच आता है, दौड़ भाग और चाल फेर लोच आता है जी। इधर एक उस्ताद और लग रहे हैं, आप भी शौक करते हैं क्या? हमको इन्होंने गाया था 10 साल हमने बनाई हैदराबाद खूब बेटी है, सुफियान भाई हमारा कंकौआ खूब ले गए। आप भी बनाते थे पतंग? बनाते थे, लेकिन अब टाइम ही नहीं जी, अब हम पनीताई का काम करते हैं, समय नहीं मिलता है। तो चलिए एक और उस्ताद से मुलाकात हुई है जो बना के बाहर भेजते थे लेकिन इस समय नहीं काम कर रहे हैं। क्या गुड नेम है सर आपका? ज्ञान काइट मेकर। ओके, तो कुछ पतंगे आपने रखी हैं कि खत्म कर दी अपनी सारी? कोई एक पतंग भी नहीं रखी अपने लिए, एक आध बचा के अपनी याद में रखना चाहिए। 4-5 साल हमारे पास समय जब तक रहा जी, और इन्होंने ही हमको बताया पतंग बनाना, और हमने खूब कंकौआ बनाया, खूब बेचा जी। हमारे कंकौए का नाम रखा गया था जूडो कराटे गुड्डू काइट वाले जी के पास में जो रहते हैं, क्या नाम है जिनकी मार्केट बन रही, कौल साहब जी। अच्छा, AN कौल साहब जी, कौल साहब ने हमारे कंकौए का नाम रखा था जूडो कराटे। बहुत बनाया हमने। तो यानी आपका कंकौआ जबरदस्त था तभी ऐसा नाम रखा गया है जूडो कराटे। खाना आप पूछ रहे जी जी, तो इनके भी उस्ताद हमारे गुरु के गुरु जी बाबा जी आते थे, उन्होंने हमको डबल खाना बताया था, डबल खाना। तो उसमें जो है कंकौए में बहुत दौड़ भाग हो जाती है। तो खाना जो इसीलिए डाला जाता है कि थोड़ी सी चाल तेज हो जाए उसकी, ठंडा हल्का लगाएंगे खींचेंगे, कंकौआ बिल्कुल फूल की तरह खींचेगा, और लोहे की सह पर रखेंगे बिल्कुल टोप का गोला हो जाएगा जी। तो चलिए, तो हम यही कंकौआ बहुत दिन बात है। देखिए एक और शानदार पतंग। अब ये सब जानते हैं इनको, ये जो स्टैंपिंग है और ये पतंग का फरमा जो है और स्टीकर, चलिए दिखाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इधर आइए कार्तिक भाई। ये आपके लिए लेके आए, देखिए बहुत बढ़िया खूबसूरत, ये मोहब्बत है इनकी कार्तिक भाई की। देखिए शारिक भाई की जो है हमारे कोलकाता के, तो कलर देखिए, ये हमारे लिए आप लाए हैं? जी, कार्तिक भाई से ही मिलती है शारिक भाई की पतंगे, और फरमा देखिए बड़ा शानदार है।
ये नया कागज आया। तो चलिए अभी कार्तिक भाई भी जुड़ गए हैं, तो अब हम लोग कारखाने पे चलेंगे और पतंगे देखेंगे कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और कार्तिक भाई उसमें हमारा सहयोग करेंगे। कम से कम 25 दिसंबर को बनाई थी अगले पिछले साल अभी पड़े कार्तिक भाई हमारे आए मगर डोड़ी नहीं है। ये देखिए जी, डोड़ के रख देते हैं इनके लिए, ये जब आते हैं तभी बनाते हैं। हम कंकौवा ही नहीं को देते हैं, गोल आला सब जी, और कोई को कंकौवा नहीं देते हैं कुछ। और अड्डी जो है हमारी कई दुकानों पे 3 रुपये साली जाती है। चमन भाई के यहाँ अधिकतर वाले हैं। अच्छा, और जो मांगता है नईम भाई के ये पतंगे, नईम गाइड सेंटर बालागंज पे जाती है आपकी, साई गाइड इम्पोरियम पे जाती है हेमंत भाई के, और कार्तिक भाई तो हमारे रेगुलर है ही बाकी काम जो है कार्तिक भाई कर देते हैं। तो फैंसी चीज लेते हैं कार्तिक भाई के अलावा, गोल पवना के पास मिलता है। खूबसूरत पतंग बनाई है और अभी एक खिलाड़ी हमसे जुड़े हैं तो मैं उस पर भी चर्चा होगी। ये 3 रुपये वाली है ये वाली पतंग। तो पहले हम इसी पे चर्चा करते हैं, जो कारखाना है यहाँ पे श्रीज भाई हमारे और उस्ताद, हाँ, आप साथ में काम करते हैं, हाँ, और एक ही पतंग आती है, और दूसरे जो है यहाँ पे टीनी और रुपेश दो भाई हैं और शंकर दादा के ही बेटे हैं, और ये जो स्टैंपिंग है ये उन्हीं की है, पतंग भी उन्हीं की है, अद्धी पतंग अद्धी। पौना नहीं बनाते हैं टीनी रुपेश, अद्धी में ही काम करते हैं। आप पौना बनाते हैं? ठीक है, चलिए कुछ पतंगे देखी जाए आपकी। कार्तिक भाई का बनाया जनता कागज पे, बड़ा गोल फरमा जैसे जैसे आता है फरमा आपका, बड़ा वाला ये गोल फरमा है जी, बनता नहीं कच्चा है। चलिए इधर कार्तिक भाई हमारे पास बैठे ही हुए हैं, तो कार्तिक भाई से जानते कैसी पतंग बनाई है, बताइए कार्तिक भाई। पतंग भाई थोड़ा सा घूम जाइए हमारी तरफ जरा सा जी, हाँ बस बस अभी हम पूछ रहे हैं उस्ताद से भी जी, पहले कार्तिक भाई से पूछे। पतंग अच्छी है भाई, इनकी पतंग में क्या गए हम। तो पहले तो मैं फर्क बता दूं, जो टेनी और रुपेश की पतंग आती है और ये जो शंकर दादा की आती है, स्टैंपिंग देखिएगा इसमें एक नंबर रहता है श्रीज भाई, जो मोबाइल नंबर एक रहता है वो शंकर दादा की पहचान है, हाँ। श्रीज भाई और पापा का इसमें लिखा भी है, शंकर एंड श्रीज जी, शंकर और श्रीज, और उसमें दो नंबर रहते हैं, उसमें नाम भी लिखा है देखिए, टेनी रुपेश। ओके चलिए, अच्छा ये क्लियर कर दिया गया है, इसमें टेनी रुपेश और दो मोबाइल नंबर रहते हैं। ये एस दोनों में पड़ा है, एस दोनों में रहेगा क्योंकि कारखाना एक ही है, कारखाना एक ही है, एस हमारे पापा का टेस्ट मार गए। उस्ताद है भाई वो बहुत बेहतरीन, भगवान का नाम लो तो उनका है। जी। वो रहे चाहे ना रहे मगर नाम उनका हमेशा चलेगा बिल्कुल। अरे चलिए हम लोग इस बात की प्रार्थना करते हैं कि भाई उनकी उम्र को दराज करें, और फिलहाल पतंगे खूबसूरत हैं, एक ही फरमे पे काम हो रहा है आपका? हमारा दो फरमे पे, एक ये गोल है जी, एक मीडियम फरमा है लंबा, अभी देखने को मिलेगा हमको। चलिए फिलहाल एक उस्ताद इधर बैठे हुए हैं, और सर क्या गुड नेम है आपका? मेरा अनिल कुमार नाम है भाई। आप भी शौक करते हैं? शौक करते हैं, अब थोड़ा कम कर दिए है उम्र के हिसाब से, पहले करते थे किसी क्लब से करते थे। अरे बहुत पुराना लियाकत काइट क्लब था, बहुत वो मछली मॉल में उस्ताद महमूद अली थे, खत्म जी जी जी, उनके लड़के हैं मकसूद, ओके, वो भी डोर बनाते जी जी, अब वो सब अपना दूसरा बिजनेस करने लगे जी। तो शंकर दादा की पतंग आपने कभी लड़ाई है? हम नहीं, इनके सिवा किसी की पतंग उड़ाते ही नहीं है, क्योंकि हमको फ्री में मिल जाती है। ये तो हमारा घर के एक जी जो है हम बता रहे भाई, हमको बिल्कुल हम लोग कष्टा खाते हैं, हम वैसे इनको समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, साफ बात बताना बहुत अच्छा होता है। चलिए फ्री में मिलती है वो बात अलग है, जैसे बच्चे हमारे लड़के हमारे जैसे कार्तिक है भतीजे, रिलेशन हो गया जी, भतीजे हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी घर की तरीके से। पतंग आपको कैसी लगती है शंकर दादा? पतंग तो हमको एक नंबर की लगती है, दोनों पौने अद्धी सब सब, चाहे वो टेनी की हो, रुपेश की हो, या इनकी हो सीरीज की, सब पतंगे अच्छी, सब पतंगे अच्छी होती हैं। चलिए फिलहाल लियाकत काइट क्लब काफी पुराना काइट क्लब है जी, लेकिन कुछ पुराने उनके खिलाड़ी हैं जो मिलते रहते हैं कभी कभी। अब तो वही मछली मॉल के रहने वाले हैं, यहाँ पे एलडीए में अपने मकान, अच्छा, में 26-27 साल से रहे, यहाँ दोस्ती हो गई तो यहाँ अपना अपने चलिए। तब तक छोटी मोटी रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि अपना काम लगा रहेगा, जी जी, दुकान भैया ही बैठते थे हमारे जी, शंकर भी है दो जो, हाँ शंकर दादा भी बैठे थे, वो आप ही का ही है, यही सब देखभाल करते हैं। हमने आज तक के इनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया है, क्या इनकम हुई है क्या नहीं हुई है, हमने अपने रिटायरमेंट के लिए रोक रखी थी। बहुत अच्छी बात है, और हम लोग जुड़े हैं शंकर दादा से तो हम ये जानते हैं कि पतंग के तो उस्ताद ही हैं, साथ में एक बढ़िया इंसान भी हैं आप, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के व्यक्तियों से मिलना जी।
तो चलिए शंकर दादा, आजकल आप बना रहे पतंग नहीं बना रहे बताइए? आप चालू कर दिया बनाना? चालू कर दिया अभी। हाँ। मैंने देखा था काम तो आप कर ही रहे थे। हाँ। जी पतंग अपनी कोई दिखाइए और कुछ बताइए थोड़ा सा, नए लड़के जो है थोड़ा कुछ। चलिए उस्ताद का जो है फरमा हम लोग देखते हैं। बता दियो कार्तिक का बनाए जयपुर जी हमारी मोहर लगा देते उस्ताद, आप ही का है ये फरमा? हाँ ये कार्तिक के बनाए जयपुर जाने, देखो कार्तिक की पतंग है ये, जयपुर जा रही है। चलिए लखनऊ में किसी के पास मिलती है आपकी पतंग? हाँ मिलती है जी। कहाँ, अगर आपके कारखाने पे ना आए तो आदमी कहाँ जाए लेने आपकी पतंग? नहीं बाजार में, दुकान पे नहीं जाती। दुकान पे नहीं जाती है तो कैसे मिलेगी आपकी पतंग? डायरेक्ट आपसे मिलेगी? ऑर्डर देना पड़ता है। ऑर्डर देना पड़ेगा। शंकर दादा को आप लोग कॉल करिएगा, स्क्रीन पे नंबर आएगा, यही नंबर मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा। तो अगर ये फरमे की पतंग चाहिए हो, एक और फरमा भी तो बनाते हैं आप जी, दिखाइए। एक ये फरमा लंबा वाला। ओके दो फरमे हैं आपके। हाँ। ये थोड़ा मीडियम पे है। हाँ, वो और वो बिल्कुल गोल है। हाँ, भारी। दोनों टूर्नामेंट साइज है। कितनी दूरी पे लड़ जाएगा ये पतंग आपकी? हजार मीटर तक लड़ता है ये वाला। हाँ। और वो जो है वो 1500 तक लड़ जाएगा। तो शंकर दादा का यही स्टाइल है, जो कमानी लगाई जाती है, जहां तक दिखेगा वहां तक ले जाइए पतंग, बोलेगी नहीं। तो शंकर दादा ये बताइए, कौन उस्ताद आपके, उस्ताद कौन है? हमारे उस्ताद एक बाबा जी थे, साधु थे, वो बना लेते थे ऐसे ही घर, साल में एक बार घर आते थे एक दो दिन जी। वही बता रहे थे तो आड़ी पौताइस हमने बनाना चालू किया था जी। और खुद लड़ाते भी थे क्लब में जी। तो धीमे धीमे सब सुधार, फिर छोटी बनाना बंद कर दी, फिर सबक तीन बनाई। उस जमाने में सबक तीन और पौमतावा 6x10 बनता था। अब तो आड़ी पौमताई बनती नहीं, अब तो मंझोली और अद्धी बनती। आपने जब शुरू किया था पतंग बनाना तो आपकी पतंग शुरुआत के समय में लगभग अगर याद हो तो कितने रुपए की जाती थी पतंग? 2 रुपए। 2 रुपए पौना गांठ का, गांठ वो भी। और आज दादा कितने की पतंग है आपकी? हम 40 से देते हैं बिना गांठ का। बिना गांठ वाला 60 रुपए का गांठ दार। 60 रुपए का गांठ दार। पुराने समय की बात बता रहे हैं, 2 रुपए जो आप बता रहे हैं कंकौवा, वो हमें लग रहा है जब ये जो है यहाँ पे हाथी पार्क के पास से लड़ती थी पतंग। हाँ। उसके पास यहाँ से हाथी पार्क में बुद्धा पार्क के बगल से लड़ती। बुद्धा पार्क के जी जी। हाँ वो पास ही में जगह है जी। अभी पतंग बोर्ड का पार्क वो लगा है, जमीन छूटी हुई, इंदिरा गांधी से मुकदमा लड़के ली गई थी जी, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों ने। पतंग बनाने से पहले आप क्या करते थे? पतंग बनाने मंडी परिसर में थे जी, फील्ड सुपरवाइजर जो है बनोपर में मंडी बनी जी, इसी में वो ऑफिस इसका था वहाँ महानगर में जी, तो उसी में काम करते थे। उसके पहले टेलीफोन चेन में भी सर्विस की थोड़ी दिन। सबसे आखिर में मतलब बाहर ट्रांसफर होता रहा, सब नौकरी छोड़ते रहे, घर वाले जाने दिए। उसके बाद हम कंपाउंडिंग करने लगे जी, कंपाउंडिंग पीरियड में ही हमने ये सब। बहुत बढ़िया है। तो देखिए उस्ताद की जो है थोड़ी सी जीवनी पे प्रकाश डाल रहे हैं, थोड़ा जानकारी मिल रही है। फिलहाल खूबसूरत पतंगे बनाते हैं और लगभग हमें लग रहा है 40 साल से प्लस हो चुका है, ज्यादा हो चुका है बनाते हुए। 40-45 साल हो चुके हैं। बढ़िया पतंगे हैं, स्क्रीन पे नंबर आएगा अगर आप लोग को चाहिए हो उस्ताद की पतंगे। और शिरीष भाई आपके साथ बनाते हैं, उनकी पतंग और आपकी पतंग एक ही पतंग होती है। साथ में आपके कारखाने पे टेनी और रूपेश भी बनाते हैं। सब ये हमारे लड़के हैं तीनों जी। वो लोग अद्धी बनाते हैं जी, हम और श्री जो है पौना बनाते हैं। उनकी पतंग भी हमको एक बार दिखा दिए, ये रखी है हमें लग रहा है टेनी रूपेश की पतंगे रखी है बनी हुई। ये है अद्धी, वो टेनी रूपेश ने बनाई है जी। आप तो देखते हैं पतंग कैसी लग रही है, कैसी बना रहे टेनी रूपेश पतंग इस समय? देखते रहते हैं, कुछ खराबी होती है तो बताते रहते हैं उनको बीच-बीच। यही तो बढ़िया बात है। आप जब गोल फरमा बनाते हैं तो क्या सोच के बनाते हैं, किस तरीके से एक पतंग को अच्छा बनाया जाए? पतंग गोल फरमे में एक तो भारी पतंग बनती है, कहाँ पे छांट के उसमें अलग लगानी पड़ती है गोल फरमे में, और उसमें चॉइस जिसकी जैसी होती है, जिसको 2-3 साल लगना वैसे का आप लगाते हैं, और जिसको अगर लड़ाना जल्दी है तो थोड़ा मीडियम, थोड़ा सा मीडियम पे लगाई जाती है। कुछ नए लड़के अगर सीखना चाहेंगे तो वो किस बात पे ध्यान दे, एक पतंग को बनाना जब शुरू करें तो किन बारीकियों पे ध्यान दे? अब वो तो जब हम पास बैठेंगे तो महीने 2 महीने उनको पहले छीलने के गुर बताए जाते हैं जी। अगर पहले चक्कू पकड़ना ही नहीं आता है नए लड़कों को, तो पहले उनको चक्कू पकड़ना बताया जाता है, फिर ठड्डे की तैयारी कराई जाती है, जब ठड्डे छीलने लगते हैं तब कांपो। 40 साल से आप पतंग बना रहे हैं, आज आपकी पतंग 40 साल बाद जो है 40 रुपए की हुई है,
यही तो है ना जी, जी। आजकल के लड़के जो पतंग बना रहे हैं वो सीधे आज बनाना शुरू किया कल 40 रुपए। अपना अपना हिसाब है। अब आजकल लोग जो है ताजा कनकौवा ज्यादा लड़ाते हैं, कम पैसों का हल्का कनकौवा लड़ाते हैं। हम इनसे पूछते हैं, इधर कार्तिक भाई जुड़े हुए हमसे जी, आजकल जो लड़के हैं वो नए नए बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने पतंग और सीधे 40 रुपए। शंकर दादा 40 साल बाद आज 40 रुपए उनकी पतंग। भाई जो नए लड़के बना रहे पतंग जी, उनकी पतंग और इनकी पतंग में बहुत फर्क है। उनकी पतंग इनकी पतंग के बराबर ही नहीं पहुंच पाएगी। आप खुद देख लिए काप ठड्डे इनके और जो नए लड़के बना रहे जी। नए लड़के बना इसलिए रहे क्योंकि सबको फैंसी काप ठड्डा मिल रहा है जी। अगर फैंसी काप ठड्डा बंद हो गया तो बहुत कारी। तो क्या ये जायज है इतनी महंगी पतंग बनाना उनके लिए, जो अभी एक साल भी नहीं हुआ बनाते हुए 40 रुपए रख दिया, 45 रुपए कर दिया रेट अपना? भाई वो तो लोगों ने बढ़वाया है ना रेट, कारीगर खुद नहीं बढ़ाता जी। लोग कहते हैं आपकी पतंग 30 रुपए की है, आप हमको दिए, हमसे 35 ले लीजिए। कोई कहता है हमसे 40 ले लीजिए जी। तो वो एक बार अगर 30 से 35 हुए तो वो 35 से 30 नहीं होते, फिर वो 35 ही रुक जाते हैं। पुराने कारीगरों में सबसे कम रेट इन्हीं की पतंग का है अभी, सबसे कम रेट में अच्छी पतंग है इनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे कम प्राइस रखा है पुराने उस्तादों ने। अच्छी पतंग है, कम रेट अच्छी पतंग है। फिलहाल लड़ती आप शौक करते हैं उस्ताद की पतंग का? भाई मेरा बैग आप देखेंगे तो इनके अलावा और किसी की पतंग ही नहीं मिलेगी। अभी हमारी कल लड़ी है तौखा चप जी, तो उसमें सब इन्हीं की पतंग लड़ी है टोटल जी, और तो किसी की पतंग ही नहीं लड़ाते जी। शिरीष भाई से जानते हैं, थोड़ा सा कमानी और ठड्डा और पेपर कहाँ से मंगाते हैं आप बताइए हमको। देखिए हम यहाँ पंकज के यहाँ से भी लेते हैं, अब्दुल हमीद के यहाँ से भी लेते हैं, जहाँ हमको अच्छा माल मिलता है राजेश भाई जी, हम वहीं से माल लेते हैं। हम किसी एक के बंद के नहीं रहते हैं। और हमारे कार्तिक भाई गार्डदार कमानी हमको कलकत्ता से भी मंगवा देते हैं जी, कलकत्ता की भी कमानी हमारे पास रखी है, वो भी लगाते हैं। हाँ, वो भी लगाते हैं, वो तो गार्डदार कार्तिक भाई का ऑर्डर होता तभी लगाते हैं। अच्छा, तो गार्डदार कमानी कार्तिक भाई की है, कार्तिक भाई मंगाते हैं और इन्हें ये ऑर्डर लेते हैं और गोल कंकबर सब हम इन्हीं को देते हैं अधिकतर। चलिए, तो कार्तिक भाई से मैं जो परिचय करा रहा हूँ आप लोगों का, अगर आप लोग ज्यादातर लोग परिचित है पतंग से जुड़े हुए, अगर आप लोग नहीं है तो शंकर दादा की पतंगे अगर आपको कहीं से ना मिल रही हूं तो आप लोग कार्तिक भाई को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और साथ ही में मैं कार्तिक भाई का और भी बात बता दूं, अगर कार्तिक भाई इजाजत दे, कि और भी मेकर की पतंगे आपसे मिल जाती हैं। और बाहर जो है बाहर बीकानेर में हम शक्ति भाई को भेजते हैं, शक्ति चैंपियन जी, शक्ति चैंपियन। हाँ, किसी को ऑर्डर चाहिए तो शक्ति भाई को बीकानेर में, अगर बीकानेर में किसी को पतंग चाहिए हो तो आप लोग शक्ति भाई से शक्ति ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं जी। माल 10 रुपेश का उनके पास जाता है जी, दो चार कलकत्ता में भी कारीगर है। लखनऊ में 10 रुपेश की पतंग चाहिए हो तो कहाँ मिलेगी? वो हेमंत भाई के यहाँ कृष्णा काइट आ रहे हैं, कृष्णा काइट के भी पास जाती है। हाँ, जाती है, वो ऑर्डर पे बनवाते हैं। अच्छा, काइट दो है, जय चाचा बोल दिया था। ताऊ जी की बात कर रहे हैं? ताऊ जी। अच्छा, ताऊ जी के पास मिलती है। ओके, तो बन रही है, आपको दिखाई है, ये नईम की है, नईम प्लांट। ओके, नईम भाई के भी पास जाती है, ऑर्डर पे देता है, उसके भी बनते हैं, नहीं ऑर्डर पे बनाते नहीं है। स्क्रीन पे नंबर रहेगा, अगर आप लोगों को 10 रुपेश की पतंग बनवानी हो या शंकर दादा की पतंग चाहिए हो तो शिरीष भाई को कॉल करिएगा, स्क्रीन पे नंबर आएगा, आप लोगों का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और पतंग बन के मिल जाएगी। शिरीष भाई बताइए जी, पतंग अगर कोई ऑर्डर देगा तो बनवा देंगे ना उसको? कोई क्वांटिटी का मामला तो नहीं है कि कितनी चाहिए? 50 से कम नहीं बनाते भैया, एक दस्ते से 50 से कम नहीं बनेगी, 50 कम से कम बनवानी पड़ेगी। अभी इनका एक और नया फर्मा निकल रहा है अद्दी का जी, मतलब वो पुराना फर्मा है, उस फर्मे की पतंग खाली उस्ताद को मिलती थी, उस्ताद आगा को। अच्छा, और अब जो है वो पतंग मिलेगी हमको, वो पतंग खाली दो ही लोगों को मिलेगी और कहीं से नहीं मिल पाएगी वो पतंग अद्दी। तो आप कुछ शागिर्द तैयार कर रहे हैं अपने, शिरीष भाई को छोड़कर और इनको 10 रुपेश को छोड़कर? शागिर्द है ईलू बालाजी काइट के नाम से बनाता है। अच्छा अच्छा, अरे बड़ी खूबसूरत पतंग बनाते हैं, हमने देखा है उनकी पतंगे, बिल्कुल बनाता है जी, कम बनाते हैं लेकिन रंग बनाते हैं। चलिए कार्तिक भैया, क्या है ये पतंग, किसकी पतंग है आपके हाथ में? ये हमारे एक बहुत खास कारीगर है, बहुत पुराने और इनकी पतंग भी कम रेट है, बहुत अच्छी पतंग है काफी। देखिए बढ़िया, यहाँ भी अच्छा काम है, कारीगर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ठड्डा भी वैसे ही जो है, ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इनकी प्लेन ये इशाक उस्ताद के शागिर्द है, इशाक उस्ताद के शागिर्द, शानदार पतंगे होती थी मरहूम इशाक उस्ताद की जी।
पतंग बहुत अच्छी बनाते हैं ये। मिल सकती है किसी को पतंग? मिल जाएगी मिल जाएगी, ज्यादा रेट भी नहीं है, 23 रुपए की पतंग है। बढ़िया कंकौवा है, तो अब मुझे आपका नंबर डालना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगी कैसे पतंग? मेरा नंबर आपको डालना है तो वो देखिए स्टिकर आपको दिखा दे, लाइए दिखाइए। साथ ही में मैं ये तो जरूर बता दूं कि अगर कोलकाता के जो शारिक भाई हैं, इनकी पतंग किसी को चाहिए हो बड़े गोल्फर में, तो कहीं मिलते नहीं है, गांठ पे है, और आपको कार्तिक भाई को ही कॉल करना पड़ेगा, तभी आपको ये पतंग मिलेगी। चलिए बनाते ही बहुत कम है जी, कहाँ नंबर है आपका बताइए, कहाँ बता रहे थे? ओके 9016504740 कार्तिक भाई का नंबर।